गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम हिंदी ग्रामर पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 काल पढ़ेंगे। काल का अर्थ है बच्चों समय। कल हुआ था, आज है और कल होगा अभी। समय का जो चक्र बताता काल उसे कहते सभी। तो बच्चों कल होने वाला है, आज जो हो रहा है और आने वाले समय में जो होगा उसे जो बताता है वह समय कहलाता है। तो देखिए बच्चों चित्र देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था। दीपक गाना गा रहा है, दादाजी पानी पियेंगे। तो चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में छपे रंगीन शब्द क्रिया के होने का काल अर्थात समय बता रहे हैं। क्रिया के होने का काल अर्थात की समय बता रहे हैं। पहले वाक्य की क्रिया जीता था से बीते हुए समय का पता चल रहा है। दूसरे वाक्य क्रिया गा रहा है से चल रहा है समय गा रहा है से चल रहे समय का पता चल रहा है। तीसरे वाक्य की क्रिया पीएंगे से आने वाले समय का पता चल रहा है। तो बच्चों तीनों वाक्यों में अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं और अलग समय का पता लग रहा है। तो बच्चों क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं कि क्रिया किस समय में की जा रही है। और क्रिया जिस समय में की जाती है उस समय का पता जिससे हमें चलता है उसे काल कहते हैं। बच्चों काल के तीन भेद हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यत काल। तो बच्चों पहला है भूतकाल। भूतकाल को हम जानेंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। इसमें गया था, गई थी, चुके थे, चुकी थी, था, थे, थी, जहाँ आते हैं वहाँ भूतकाल होता है। जैसे कि मैं कल बाज़ार गया था और रूबी खाना खा चुकी थी। तो इसमें बच्चों बीते हुए समय के होने का पता चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर है भूतकाल। दूसरा है वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य हम इस समय में कर रहे हैं वो है वर्तमान काल। इसमें जा रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ और दूसरा है रूबी खाना खा रही है। तो इसमें जो बच्चों क्रिया हो रही है वह वर्तमान समय में यानी जो समय चल रहा है इसमें हो रही है। तो इससे हमें वर्तमान काल के समय का पता लगता है। तीसरा है भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो बच्चों इसमें जाऊंगा, जाऊंगी, खाऊंगा, गागेगी जहां पर आता है वहां भविष्यत काल होता है, मतलब कि आने वाले समय का जिससे हमें पता चलता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए बच्चों, मैं कल बाज़ार जाऊंगा, रूबी खाना खाएगी। तो मैं कल बाज़ार जाऊंगा और खाएगी, मतलब कि आने वाले समय में जो क्रिया हो रही है उसके बारे में यहाँ बताया गया है, तो यहाँ पर भविष्यत काल है। तो बच्चों इस तरह से काल समय को कहते हैं। और काम के करने से जिसका पता चलता है क्रिया जिस समय में हो रही है उस समय का हमें जिससे बोध होता है वह काल कहलाता है। और काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ को पढ़िए। धन्यवाद।